मून केतु इज अ गुड योगा टू हैव. पीपल कॉल इट ग्रहण योग बट आई कॉल इट कृष्ण योग. कृष्णा हैड दिस बाय द वे. इसको बोलो. अब इसमें मैंने क्या देखा है, इनको इंट्यूशन बड़ा तगड़ा होता है. देन दे हैव वेरी सात्विक इमोशंस. मतलब ये ऐसे स्यापा नहीं डालते. ऑन द अदर एंड दे कैन फील अ लिटिल डिस्कनेक्टेड, अ लिटिल एपैथी वाला. फॉर एग्जाम्पल एंड इन अ वे इट्स गुड बिकॉज टू मच इमोशंस को हमने ग्लोरीफाई कर दिया. फॉर एग्जाम्पल जब अभिमन्यु वध हुआ तो अर्जुन बेहोश हो गया. कृष्ण खड़े खेल दो एग्जाल्टेड मून उसके साथ में केतु जय माता दी टेंशन ही नहीं. भीष्म को मारते हुए अर्जुन रो रहा है तो कृष्णा इज द बेस्ट दैट अ मून कैन गिव यू. तो भीष्म को मारते हुए अर्जुन रो रहा है, ये कह रहे और मार दो और लगा वहां पर. हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इमोशनल डिटैचमेंट और नंबनेस हो जाता है. एंड फॉर सम रीजन इट इज वेरी रेयर. I have seen so many moon Rahus. I've seen very very few moon Ketu. For some reason नहीं होता है. हाँ, इसमें खासियत क्या है, ये it can separate you from your mother. Lord Krishna was separated from Devaki. And it can separate you from your family. He was separated. Later in life again he was separated from Maa Yashoda. Okay. तो वो थोड़ा family family वाला angle नहीं चलने देते. मतलब वसुदेव कटु. इनके लिए वर्शिपिंग कृष्णा स्पेशली द पार्थसारथी कृष्णा, यू नो द वन विद अर्जुन, दैट्स वेरी गुड बिकॉज अर्जुन हैज अ हिला हुआ मून फॉर सम रीजन. आई थिंक ऑल्दो कन्या राशि बोलते हैं उसको, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उसका मून और सन दोनों डैमेज थे. मून राहु और युधिष्ठिर, आई एम लाइक 90% श्योर ही हैज अ फोर्थ हाउस मून राहु. सो ऐसे लोग वर्शिपिंग कृष्णा फीडिंग काउस. Okay. Worshipping Parthasarathi and Gopal Krishna is very good. Reading Gita can do good. Okay. So it's not a bad yoga to have.